शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जगह कितनी अजीब है, ऐसा अजीब महल है और अम्बे माँ की एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं है यहाँ। मेरे गांव में तो छोटे से छोटे घरों में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें हुआ करती थी अम्बे माँ की। जहाँ मैं रहूं वहां मेरी अम्बे माँ ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस तरह से अम्बे माता की सुंदर प्रतिमा तैयार की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शक्ति कमजोर हो गई है। क्या हो रहा है? कनक, जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जा जी। पता नहीं रानी माँ, एकदम से सारे शरीर में जलन होने लगी, इसलिए मैंने पानी अपने आप पे डाल लिया। मेरा सर दर्द ठीक करने के बजाय
बढ़ा दिया तुमने। इससे पहले कि मैं माँ बेटी को मार डालूं, ले जाओ इनको मेरी नजरों से दूर। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये इतनी जलन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर में आग लगा दी हो। आज तुमने जो हरकत की है ना मंदाकिनी, वो माफी के लायक नहीं है। अब देखो मैं क्या हाल करती हूँ तुम्हारे। कोशिश कर रहा हूँ नीचे आने की, पर ना जाने क्यों आ नहीं पा रहा हूँ और ना ही अपना मानव रूप धारण कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। कोई तो शक्ति है यहाँ जिसने हम सबकी शक्ति कम कर दी है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है यहाँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है पंडित जी। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। पंडित जी दीदी ठीक तो होंगी ना? बताइए ना पंडित जी, कुछ पता लगा क्या? परिगढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय मात तुम तब तब। सुनैला के ऊपर साक्षात अंबे माँ की कृपा है और कहते हैं ना कि माँ अंबे जिस पे सहाय हो शत्रु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? इस कौए के आने से पूजा के फूल काले क्यों पड़ गए और ये अग्नि भी मुझने गए? ये कैसा संकेत है महापंडित जी? वही जो सर्वविदित सर्वमान्य है। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है, पर जीत सदैव अच्छाई की होती है। इसका मतलब क्या है पंडित जी? यही
कि सुनैना बिटिया के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद भी है और उसके ऊपर कोई काली साया भी मंडरा रही है। आखिर कहाँ है मेरी सुनैना?